देखो यहाँ पर अभी तक अच्छे से एंड्रॉइड 14 के अपडेट भी देखने को नहीं मिले और गूगल ने भाई रिलीज कर दिया एंड्रॉइड 15। और आज की वीडियो में आप लोगों को एंड्रॉइड 15 के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में ये अपडेट किस किस फोन के अंदर आएगा और गूगल ने अभी तक सिर्फ पिक्सल डिवाइसेस के अंदर ये जो अपडेट है वो रिलीज किया है। तो क्या आपके फोन में एंड्रॉइड 15 का अपडेट आएगा कि नहीं आएगा वो भी बताने वाला हूँ, पूरा रोड मैप भी बताऊंगा, साथ में एंड्रॉइड 15 के अंदर क्या कुछ नए चेंजेस जो है गूगल ने किए हैं वो भी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 14 है तो क्या आपके फोन में एंड्रॉइड 15 आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे करना है वो सब आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करना, पहली बार चैनल के ऊपर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो ये एंड्रॉइड 15 का फर्स्ट डेवलपर प्रीव्यू है तो इसके अंदर नो डाउट आप लोगों को बहुत सारे बग्स भी देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग एंड्रॉइड 15 का फर्स्ट डेवलपर प्रीव्यू जो है अपने मेन फोन के अंदर इंस्टॉल करो, क्योंकि अगर आप लोग इसको अपने मेन फोन के अंदर इंस्टॉल करोगे तो बहुत सारे जो बग्स हैं वो आपको आपके फोन के अंदर देखने को मिलेंगे। और सबसे पहला बग जो मैंने नोटिस किया वो मैंने नोटिस किया प्ले स्टोर के अंदर। जैसे आप लोग प्ले स्टोर ओपन करोगे जैसा नॉर्मल आपको एंड्रॉइड 14 मिलता था वैसा देखने को मिलता है, लेकिन ऊपर जब आप लोग यहां पर अपडेट के सेक्शन में जाओगे तो यहां पर किसी भी ऐप का जो अपडेट है वो शो नहीं कर रहा है, जबकि अगर आप लोग मैन्युअली किसी ऐप को ओपन करके चेक करोगे तो वहां पर उसका जो अपडेट है वो आया होगा। तो और भी काफी सारे नॉर्मल बग्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो आप लोगों को डेली लाइफ में बहुत ही परेशान करेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग एंड्रॉइड 15 के डेवलपर प्रीव्यू को अपने मेन फोन के अंदर इंस्टॉल करो, लेकिन अगर आपने टेस्टिंग पर्पस से किसी फोन में इंस्टॉल करना है तो आप लोग कर सकते हैं। एंड्रॉइड 15 के अंदर जो अगला चेंजेस आपको नोटिस होगा वो होगा एनिमेशन के अंदर, और वो एनिमेशन आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन से लेकर के होम स्क्रीन के ऊपर। काफी अच्छा ब्लरी इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, बट ध्यान रखना अगर आपने डिफरेंट वॉलपेपर अपनी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर लगाया होगा तब ये अच्छे से काम करेगा। तो यहां पर मैं आपके सामने फोन को अनलॉक करता हूं तो कुछ इस तरीके का जो ब्लरी इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा एनिमेशन। तो यहां पर एंड्रॉइड 15 के अंदर गूगल ने एनिमेशन को इंप्रूव करने की कोशिश की है, एंड जो फ्यूचर में बिल्ड्स आएंगी एंड्रॉइड 15 की उनके अंदर आप लोगों को और भी ज्यादा चेंजेस एंड नए नए जो एनिमेशन है वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस टाइम पर जो आपका लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन के ऊपर जाने का एनिमेशन है काफी बढ़िया है। एंड्रॉइड फीचर के नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये फीचर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर देखने को मिलेगा। बेसिकली आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है आपको आपके नोटिफिकेशन पैनल के अंदर देखने को मिल जाता है या आप लोगों को सेटिंग के अंदर ये फीचर मिल जाएगा, लेकिन एंड्रॉइड 14 में आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्लिक करते हैं तो पूरी ऐप जो थी पूरी आपके फोन की स्क्रीन जो थी वो रिकॉर्ड होती थी, लेकिन अब यहां पर एंड्रॉइड 15 में आप लोग सिंगल ऐप जो है उसके लिए भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर वो ऐप ओपन होगी तभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग काम करेगी, उसके अलावा आप लोगों की कोई भी फोन की जो स्क्रीन है होम स्क्रीन है वो रिकॉर्ड नहीं होगी। तो यहां पर प्राइवेसी रिलेटेड एंड्रॉइड 15 में एक नया फीचर भी ऐड हो गया है। अगर आप लोग एक सिंगल ऐप के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो वो आप लोग कर सकते हो, और ये फीचर आपको सिर्फ पिक्सल डिवाइसेस के अंदर अभी देखने को मिला है एंड्रॉइड 15 के साथ। इन फ्यूचर सभी फोन्स के अंदर ये अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड 15 में गूगल ने यूजर अटेंशन के ऊपर अच्छा ध्यान दिया है। वेल, आपको नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन कूल डाउन, और ये फीचर आप लोगों को सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन का सेक्शन है वहां पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को सिमिलर ऐप की नोटिफिकेशन बार बार आती है, एक ही मैसेज ऐप के आपको बार बार 10-15 मैसेज आ गए तो उसकी जो नोटिफिकेशन की साउंड है डिक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके, लेकिन अगर एक ही बार कोई नोटिफिकेशन आ रहा है उसकी साउंड आपको फुल मिलेगी, लेकिन बार बार उसी ऐप से या उसी एक सिंगल ऐप से आपको नोटिफिकेशन आ रही है मैसेज आ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो साउंड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यूजर अटेंशन के ऊपर काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, तो ये फीचर भी आपको एंड्रॉइड 15 में देखने को मिल गया गूगल के पिक्सल फोन्स के अंदर, एंड इन फ्यूचर बहुत सारे फोन्स के अंदर गूगल इसको ऐड करेगा। वेल, अभी तक जितना मैंने एंड्रॉइड 15 को यूज किया मुझे इतने ही चेंजेस देखने को मिले, और कोई चेंजेस एंड्रॉइड 15 में मुझे देखने को नहीं मिला, ना ही कोई नया सेटिंग जो है गूगल ने अपडेट किया हो। लेकिन जैसे मुझे कोई अच्छे और फीचर्स पता चलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा कि ये नए फीचर्स ऐड हुए हैं। वेल, अब बात कर लेते हैं एंड्रॉइड 15 के रोड मैप के बारे में जो गूगल ने ऑफिशियली शेयर किया। वेल, एंड्रॉइड 15 के रोड मैप की बात करें तो ये मैंने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लेना। और यहां पर अगर आप लोग एंड्रॉइड 15 का रोड मैप डेवलपर प्रीव्यू का देखें तो DP1 यानी कि जो डेवलपर प्रीव्यू है वो आप लोगों को फरवरी मंथ में एक देखने को मिल गया, एंड सेकंड आप लोगों को मार्च मंथ
के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद बीटा रिलीज आएंगे और बीटा अपडेट आपको अप्रैल और मई मंथ के अंदर देखने को मिलेंगे एंड उसके बाद जाकर के जो स्टेबल अपडेट्स है वो देखने को मिलेंगे। तो स्टेबल अपडेट्स आपको जून और जुलाई के अंदर देखने को मिल जाएंगे और जो फाइनल रिलीज होगा वो जुलाई महीने के बाद 2024 में आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड 15 का स्टेबल वर्जन। लेकिन उसी के बाद आप लोगों को रियलमी ओप्पो वन प्लस रेडमी के फोन्स के अंदर जो उनका कस्टम यूआई है उसके अपडेट्स आपको एंड्रॉयड 15 के साथ देखने को मिलेंगे। लेकिन जो एंड्रॉयड 15 गूगल की तरफ से ऑफिशियली आता है वो स्टेबल आप लोगों को जुलाई 2024 के बाद देखने को मिलेगा। तो ये था एंड्रॉयड 15 का रोड मैप जो गूगल ने ऑफिशियली प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर किया है, मैंने आपको बता दिया। बाकी इतना इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।